جب خوشی آتی پیار اور اپنا تھا دنیا جیسے جنت تھی لیکن آج وہ دوزخ بن گئی اور اس کی تپش میں سب کچھ جھلس دو رہا की तरफ ले गए एक खूबसूरत छलावे की तरफ मेट्रोपोलिस इंसानियत सुपरमैन से रूबरू हो चुकी है बाहर निकालो फौरन
बाहर निकलो, जल्दी इस बिल्डिंग से बाहर निकलो। बॉस ने इस बिल्डिंग को खाली करने को कहा है, जल्दी। जैक, जैक।
आतंकवादी हैं जनरल? पता नहीं था मेरा इंटरव्यू कोई औरत लेने वाली है। मर्द होती तब भी सवाल ही उनका। मैं वो इंसान हूँ जो सिर्फ अपने लोगों का भलाई के बारे में सोचता है। उसने मेरे को रेल खराब कर दी। इन सुरक्षा के ठेकेदारों को पैसे कौन देता है? ड्रोन्स के लिए कौन पैसा देता है जो रात में हम पे हमला करते हैं? सवाल का जवाब सवाल। समझा? ये ट्रांसमीटर है। हमारी जासूसी हो रही है, उसे यहां लेकर आओ। नहीं, छोड़ दो उसे। हमने अपनी पहचान छुपाने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल किया, वो कुछ नहीं जानती। तुम्हें कुछ नहीं होगा लोइस। मुझे खबर नहीं थी। बेखबर और बेकसूर होने गई फर्क होने मैडम। गांव की एक औरत ने भयानक आवाज सुनी, जैसे कि आसमान हट गया हो। फिर वो नीचे आया, बहुत लोग मारे गए। उसके बाद तबाही मच गई। सरकार ने हमला कर दिया, गांव में किसी पर रहम नहीं किया गया। मेरे माँ बाप ने भागने की पूरी दुनिया सुपरमैन के कारनामों में इस कदर खो चुकी है कि कभी भी किसी ने उसे उसके दायरे नहीं समझाए। कानून के नजरिए से ये कमेटी उसे गुनहगार मानती है। वो आपकी कभी नहीं सुनेगा, वो किसी की भी नहीं सुनता है। शायद उसके ऊपर वाले का भी खौफ नहीं। Hey, मैं खाना बनाने वाला था खास तुम्हारे लिए। जो हुआ उसे लेकर सुनवाई हो रही है। लोगों का कहना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे प्यार करता हूँ उसकी जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। ये सोचो कि वहाँ क्या हुआ। अगर तुम ये कहना चाहती हो कि उन लोगों को मैंने मारा है तो ये सच नहीं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैं समझना चाहती हूँ कि वहाँ क्या हुआ था। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं ये कह रही हूँ कि इसकी एक कीमत है। पता नहीं ये मुमकिन है या नहीं। क्या मुमकिन नहीं है?
से प्यार करना और सुपरमैन होना। आपकी मदद कर रहे हैं। वो हमको बचा ले। हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे। ओके? क्या बोल रही हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हेट कर देते हैं, ठीक से निशाना नहीं लगा सकते, हाँ? क्या हालत कर दी उसने इसकी, अपनी मोहर भी लगा दी। अब तो काम कर रहे, बुढ़ापे का असर तुम पर होने लगा है। बूढ़े तो सभी होते हैं मास्टर वेन, आपको भी तो बूढ़ा होने की जल्दी है, जवानी में मौत से बचते हैं। माइक्रोफोन पे कोई डर नहीं, कवच की स्नेक पर अपने डर बस इसके तार को बदल लेता हूं। तो कल रात कुछ बात बनी? नहीं, वो मामूली प्यादा, उसे कुछ नहीं पता। हमारे काम का आदमी तो ये है, एनाटोली कलाइज़ रूसी है, पूरी दुनिया में इसके ठेके हैं, पर हथियारों और इंसानों की तस्करी गौथम से बाहर ही करता है। यानी कि वाइट वॉच भी रूसी है, ऐसा आपका मानना है? नहीं, मेरा मानना है कि ये प्यादा ही मुझे बादशाह तक पहुंचाएगा। मगर वो रानी भी तो हो सकती है, उसका कोई वजूद भी है या वो कोई भूतनाथ है? वो भूतनाथ गौथम में परमाणु बम बना है। बैटमैन के इंसाफ की बहुत, हम कानून को हाथ में लेते हैं, हम मुजरिम हैं, कुछ नहीं। मेरे ख्याल से बदला तो कर सकते, सब कुछ बदल चुका है।
अपनी आसमान से गिरते हैं, ईश्वर मछलियां गिराते हैं, बेकसूर मरते हैं। यहीं से उसकी शुरुआत होती है, उस तड़प, उस गुस्से, बेबसी के, उस एहसास के, और अच्छे बन जाते हैं जालिम। शहर में आज काफी हत्याएं हो गई जब पुलिस को एक कट्टरपंथियों का तस्कर मिला जिसे बैटमैन ने मारा पीटा और उस पर अपना निशान छोड़ दिया। आज एक दूसरा अपराधी है जिस पर बैटमैन का निशान मिला। इससे पहले वाला अपराधी जिस पर बच्चों के शोषण का इल्जाम है उसके साथ जेल में मारपीट की गई और अब उसकी हालत गंभीर है। एक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक ज्यादातर लोग मानते हैं कि जेल में बैटमैन निशान असल में सजाए मौत का फरमान होता है। दूसरी खबरों में आइए मुझे बताइए ना कि आप आ चुके हैं। मेरे डैड पूर्व जर्मनी में पैदा हुए, वो बासी खाना खाकर गुजारा करते थे और हर शनिवार को वो परेड में मार्च करते और तानाशाहों पर फूल बरसाते। मुझे लगता है ये विधाता की मर्जी थी कि उनके बेटे यानी मुझे ये मिले। ये मेट्रोपोलिस को बनाने वाले मेरे एक दल को मिला, एक छोटी सी भेंट क्रिप्टोनियन वर्ल्ड इंजन से। एक पत्थर का देश की सुरक्षा से क्या वास्ता? देश की सुरक्षा? ना, ग्रह की सुरक्षा। ये टुकड़ा एक अनजान रेडियो एक्टिव पदार्थ का है, हमें शक था ये इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, तो हम इसे मेडिकल रिसर्च सेंटर ले गए जहाँ उन्होंने एक क्रिप्टॉन ग्रह के निवासी का अवशेष रखा है। और जब हम उस पदार्थ को चैनल सौर के पास ले गए तो ये हुआ, अवशेष बहुत तेजी से फैलने लगे, क्रिप्टॉनियन सेंस खत्म होने लगे। पदार्थ का बहुत बड़ा नमूना मिला होता तो उससे हथियार बनाया जा सकता है। और फिर छोटी मछलियों के बीच व्हेल मिली, हिंद महासागर के तल पर ये पन्ने का पहाड़ हमें मिल गया। अब ये श्रीमान पत्थर तो रेडियो एक्टिव है, लेकिन इसे जो अभी आपसे चाहिए वो है इम्पोर्ट लाइसेंस। और इस चीज को हथियार बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? बचाव के लिए, क्रिप्टॉन वालों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र होना चाहिए ताकि वो दिन कभी ना आए मैडम जब आपके बच्चों को दुश्मन के इशारों पर नाचना पड़े। जहाँ तक मुझे याद है उनमें से बस एक ही हमारे बीच मौजूद है, सुपरमैन। लेकिन उसके जैसे बहुत सारे, वो महामानव वाली सोच। हाँ, महामानव वाली सोच, मानो या ना मानो ये बेमिसाल जीव हमारे बीच है। इन कितने कहानियों की जड़ यही है जो इस नीले ग्रह पर मौजूद है। ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने की जरूरत है, लेकिन अगर हम उसे बनाए तो फिर हमें महामानव के महमो कर्म पर जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस ने आज सुरक्षा के मद्देनजर फॉरेन हीरोज पार्क के आसपास घेराबंदी कर दी और खुशी स्मारक से एक आदमी को नीचे उतारा। इस आदमी की शरारत वॉलेस वर्न चीफ के तौर पर की गई है। और उस पर तोड़फोड़ मचाने, गिरफ्तारी में रुकावट डालने और आतंकी धमकी देने के जुर्म का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके चलते बेचारा फिजूल में फंस गया। जेनी, हेडलाइन लिखना, क्या आसमानी फरिश्ते से लगाव खत्म हो चुका है? एक सवाल। ठीक है।
वैसे हम एक दूसरे के काफी काम आ सकते हैं। आइए खुलकर बात करते हैं। कहिए, ये बताओ तुम चाहते क्या हो? मुझे तबाह हो चुके कप्तान की शिक्का मारना चाहिए। ठीक, की लाश चाहिए। बिल्कुल। जीत का मतलब है कि दो सर के हाथ हो गए, लेकिन आखिर में सारा हिसाब बराबर हो जाता है। एक फकीर ने इसी को जिंदगी का फलसफा बताया, काम के बाद सिखा गया, फिर मिलेंगे। ये कपिले आदमी ने दहशत फैला रखी। ये जो बैटमैन है लगातार बंदर का उसके आसपास की कॉलोनी और चालों को निशाना बना रहा है, और जहां तक मुझे पता है पुलिस वाले भी उसकी मदद कर रहे हैं। अपराध का बोलबाला गौतम दूसरी बेटी पानी नीला है। तुमने फुटबॉल पर आर्टिकल लिखा? हम बैट्समैन वाली खबर क्यों नहीं छापे? क्या गरीब अखबार नहीं खरीदते? दरअसल लोग अखबार खरीदते ही नहीं। यानी पहले आप ही आर्टिकल चुनेंगे और फैसला करेंगे कि किसकी कितनी अहमियत है और कौन उसके नायक है। डेढ़ दुरुस्त है कैंट, असल में लोगों का जमीर बहुत ही पहले दम तोड़ चुका है। सॉरी, कुछ पता नहीं चला। क्राइम लैब में लोगों ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। इसे बुलेट कहते हैं, इसे जान जाती है। ये रेगिस्तान में गोलीबारी वाली जगह से बरामद हुई है। पूरी दुनिया में कहीं भी इसे नहीं बेचा जाता, काले बाजार तक में नहीं। तो सहारा में उन तौरिक लड़ाकुओं को मिलिट्री की खुफिया गोलियां किसने दी? मुद्दे पे आओ लोइस। कुछ दिनों के लिए फ्लाइट से वॉशिंगटन जाने की इजाजत? जाओ, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी क्लास। बिजनेस क्लास? इकोनॉमी। मेरे डैड हमेशा कहते थे कि ब्रांडी के दो पैग ही तंदुरुस्ती का राज है। ये उन्हीं का कमरा था, जैसा था वैसे ही रखा है। बेवकूफी है ना, ऐसा करने से वो वापस थोड़ी ना आएंगे। मैं तुम्हारी उस चीज का इंपोर्ट लाइसेंस रोक रही हूँ। नीले नंबर पे लाल चोगा जब लहराए, आप और आपकी सुनवाई
ہولی کی رفتار سے دوڑتی ہمیں آگاہ کر رہی ہے. مصیبت زمین سے آئے گی یا پھر آسمان سے. آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے سر؟ میں آپ کو جھوم بلاؤں جو جی چاہے مجھے سر. یہ جوس کو تم دادی کی آڑو کی چائے کہہ دو. قطرام مچانے کے ہتھیار کو تم بچاؤ کو برہماستر کہہ لو. تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے. جھوٹ کا زہر نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے ڈائٹ کو برا لگے گا اگر میں اس کمرے میں صرف ایک چیز بدل دوں تو؟ ایسا نہیں, اسے الٹا ہونا چاہیے, کیونکہ اب ہم سب سے بڑا جھوٹ جانتے ہیں کہ شیطان نیچے پاتال سے نہیں آتا, وہ آسمان سے آتا ہے. جنس بات ہو رہا ہے سیکرٹری سوال میں تھا, میرے فون کال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. مس لین, اگر آپ کو انٹرویو لینا ہے تو میجر فائل دروازے کے باہر ہی کھڑی ہے. آپ مجھے اجنبی مان کر بات کر رہے ہیں؟ رپورٹر مان کر بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, افریقہ میں باغیوں کو کیا امریکہ ملٹری کے پوتے ہتھیار دے رہا ہے؟ ویسے تم جیسے دبنگ لڑکی ہیں یہاں آ سکتی ہے, یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ سپنا آیا تھا؟ نہیں سپنا نہیں, اس کے دھاتوں سے پتا چلا. اسے سپرمین والی گھٹنا میں استعمال کیا گیا, پینٹاگون بھی اس کی پہچان نہیں کر پائے, یعنی سچ چھپایا گیا. تو سچ سنو, ایک رپورٹر خبر کی لالچ میں غلط جگہ پہنچ گئی, اسے بچانے سپرمین نے بہت بڑی تباہی مچائی جس میں لوگ مارے گئے. کہانیاں بنا کر اسے فرشتہ بنانے کی کوشش مت کرو, نہ ہی خود کو. میجر. جی سر. امید ہے کہ وین خاندان کی اگلی پشتوں کو وراثت میں خالی بوتلیں نہیں ملیں گی. جناب شادی نہیں کریں گے تو آگے کی پشتیں کہاں سے ہوں گی؟ شکریہ سر. اس میں اس روسی کے فون سے کیے گئے ہر کال کا ریکارڈ ہے. دو بار کام کو لے کر وائٹ پورچوگیز کا ذکر ہے, اور اس روسی کے فون سے دھندلی کر دی گئی جانکاری لگاتار گھر بھیجی جا رہی ہے الیگزینڈر لوتھر کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیگز لوتھر ہی وائٹ پورچوگیز ہے؟ لیکن اسے ایسے کام اس پیسہ کمانے کی کیا ضرورت؟ مجھے بیٹ مین بن کر اس پر نظر رکھنی ہوگی, وہ بیٹ سوٹ چاہیے. بیٹ مین نے 6 لوگوں سے پوچھ تاچھ کی لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا, پر بروس وین نے کافی جانکاری حاصل کر لی. ہاں لیکن بروس وین لیکس لوتھر کے گھر زبردستی نہیں کر سکتا. اس کی ضرورت نہیں, بروس وین کو نیتا دیا گیا. 1 نومبر شام 7 بجے الیگزینڈر لوتھر. تمہارا ہوگا بیٹمین.
कौन है वो? लगता है अमीरों की पार्टी में पहली बार आया। वो ब्रूस वेन है। फिलैंथ्रोपिस्ट, किताबों के दीवाने, हमारे मेट्रोपोलिस लाइब्रेरी के एक सच्चे दोस्त मिस्टर लेक्स न्यूटन। यानी मैं? लेकिन मुझे शर्मिंदा करें। मेरी स्पीच सुनकर आप बोर हो जाएंगे। मैं भी तालियां चाहूँगा। फिलैंथ्रोपिस्ट शब्द है यूनानी भाषा, इंसानियत से प्यार करने वाला। तकरीबन 25,000 साल पहले। आप मुझे कहाँ जाना है? लिफ्ट से आगे जाइए, अब वहाँ से बाएं वो तहखाने के गलियारे में है। अब सीढ़ियों से नीचे जाइए। सीढ़ियों और इंसान में से एक को चुना था प्रोमेथियस ने, इंसान का साथ दिया और इसी वजह से ज्यूस नाराज हो गया और उन्होंने उस पर बिजली गिराई। सीढ़ी के पास आइए, रास्ते में नीचे जाइए। आपके दाएं तरफ के चूहे बाएं, अब बस ठीक आपके सामने आपकी मंजिल है। असल में मुझे लगा बाथरूम यहाँ नीचे है। लगता है आखिर के तो जाम मुझ पे थोड़ी देर भारी पड़े। बाथरूम मैं चला जाऊँ, वैसे जूते अच्छे हैं। मैं यहाँ नीचे नहीं रुक सकता, ऊपर जाकर लोगों से मिले, हो सकता है कुछ दिलकश हंसी का खुशहाली कर ले। सपने मत देखो एल्फ्रेड, किताबों से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ताकत। और मैं क्या कह रहा था, लोगों में इस बात की खलिश है कि उनके पास ज्ञान है पर ताकत नहीं, क्योंकि क्योंकि ये कड़वा सच है। और खाने के लिए शुक्रिया। प्लीज आप इधर जाइएगा। मिस्टर वेन, नाके डेली प्लैनेट से। किताबों के फायदों को लेकर मेरी फाउंडेशन पहले ही बयान जारी कर चुकी है। जी वाह, क्या खूबसूरत लड़की थी, इसे छापना मत। ओके, गॉथम में बैटमैन को लेकर आपकी क्या राय है? डेली प्लैनेट ये अखबार मेरा ही है या किसी और का? आपके शहर में लोगों के हक कुचले जा रहे हैं, शरीफ लोग दहशत में जी रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो। मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद को कानून से बड़ा समझता है। खुद को कानून से बड़ा समझने वालों की तरफ डेली प्लैनेट का उंगली उठाना थोड़ा ढोंग लगता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम्हारा हीरो पेड़ से बिल्ली भी उतार ले तो तुम उसकी तारीफ में एक शानदार आर्टिकल लिख देते हो। वो एलियन जो अगर चाहे तो पूरे शहर को तबाह कर दे, और उसे रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं लगता है मिस्टर वेन। मुमकिन है गॉथम के नमक का असर, और वैसे भी हमारे यहाँ जोकरों के लिबास में पागलों की कमी है। दोस्तों, ब्रूस वेन मिले क्लार्क कैंट से। क्या बात है, लोगों को मिलाना मुझे बहुत पसंद है। कैसे आप? ठीक हूँ। हेलो, गुड, हाय, हेलो, लेट्स हाउस मिल के बड़ी। वाओ, हाथ ही हथौड़ा, तुम्हें इस बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो इतने सालों बाद तुम यहाँ मेट्रोपोलिस आ ही गए। सोचा तुम्हारी मुफ्त की शराब। बेशक, शौक से पियो। वैसे तुम्हें आना चाहिए, मैं तुम्हें अपनी लैब्स दिखाऊंगा, हो सकता है कि हम मिलकर कुछ कर लें। मैं आजकल काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। सात मिनट हो गए, लगता है फाइल्स ट्रांसफर हो गई। मिस्टर न्यूटन, बोलो। गवर्नर आई हैं। एक्सक्यूज मी, घर में ले। गवर्नर, हाय। और वहां पर का कबाब का क्षेत्र बना रहेगा। मौसम की खबरों के बाद अब रुख करते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों पर। अभी अभी हमारे पास कुछ ताजा तस्वीरें आई हैं और पता चला है कि ज्वारियस में एक फैक्ट्री में भयानक आग लगने से मौत के दिवस के जश्न में खलल पड़ गया। अभी तक
रहते हैं, हमेशा से एक रखवाले को ढूंढ रहे हैं, और 90% लोग एक ऊपरी ताकत में भरोसा करते हैं, और हर मजहब किसी न किसी तरह के मसीह में यकीन रखता है, और जब वो फरिश्ता असल में धरती पर आता है तो हम चाहते हैं कि वो हमारे कायदों के मुताबिक चले। हमें अपनी सोच को बदलने की सख्त जरूरत है, हमें सियासत से अलग हटकर सोचना शुरू करना होगा। क्या इस शख्स पर अच्छे बुरे की कोई पाबंदी है? हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इस धरती पर हर कदम के पीछे सियासी मकसद होता है। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को लेकर भी इतनी बहस हो रही है? अगर एक आदमी देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में इस तरह दखल दे तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। इतिहास गवाह है कि इंसान हमेशा ऐसे ताकतवर लोगों के पीछे पीछे चला जिन्होंने आगे जाकर इंसानियत पर बहुत जुल्म ढाए। दरअसल हमने अपने जहन में हमेशा कुछ तस्वीरें बनाई हैं और हम अपनी इच्छाएं उस पर थोपते हैं। हकीकत तो ये है कि शायद वो कोई शैतान या ईश्वर का भेजा फरिश्ता ना हो, शायद वो एक आम आदमी है जो सही काम करने की कोशिश कर रहा है। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसका वजूद ब्रह्मांड में हमारे होने की अहमियत को चुनौती देता है, और अगर हम कोपरनिकस की बात करें तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं उसके बीचों बीच पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है। फिर डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आई और हमें पता चला कि पृथ्वी पर हम सबसे अहम नहीं है, बाकी जीव जंतुओं के बीच हम भी एक हैं। और अब हमें ये पता चल रहा है कि हम पूरे ब्रह्मांड में भी अहम नहीं है, क्योंकि सुपरमैन भी है, उसका वजूद है जो हमारे बीच एक एलियन है। ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही नहीं है। क्या आप एक सेनेटर होने के नाते एक माँ या बाप से कह सकती हैं कि सुपरमैन आपके बच्चे को बचा सकता था, पर उसूल के बिना पर हम नहीं चाहते थे कि वो कोई कदम ठीक है उसे कदम उठाना चाहिए, लेकिन इजाजत लेनी जरूरी है। तो हम यहाँ किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? क्या सुपरमैन होना चाहिए? वो तो है। किसने कराई? तुम कौन हो? एक मामला नहीं था। अच्छा, मुझसे क्या चाहते हो? मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। जाओ, वो आ चुका है। उसने मुझे पाइज बना लिया, मुझे उस पर मुकदमा करना है। कैंट, मैंने तुम्हारा मेल चेक किया तो मुझे ये मिला। बेशक आर्टिकल तैयार है, पर इसमें फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही मेट्रोपोलिस लाइब्रेरी के दोस्तों का कोई जिक्र, बस वही बैटमैन के बारे में बकवास जिसे लिखने से मैंने तुम्हें मना किया। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही तो प्रेस को ही कुछ करना पड़ेगा ना। तुम कौन होते हैं फैसला करने वाले? जब ये अखबार शुरू हुआ था तब इसका कोई मकसद था पहले? वो मकसद तब कामयाब होता अगर ये 80 साल पहले की बात होती। अब नौकरियां घर बैठे नहीं मिलती, ना चने के भाव में सोना, ना यहाँ पर ना बाहर दुनिया में, ये सब बंद करो। क्लार्क कैंट बैटमैन से उलझ रहा है, इसकी किसी को परवाह नहीं। ये सिकंदर की तलवार है, ये वही ब्लेड है जिसने गार्डियन की गांठ काटी थी। जीत की मिसाल है ये। जानती हूँ। देख लीजिए। शुक्रिया। ये नकली है, असली तलवार 1998 में भेज दी गई और वो टंगी है हजार के सुल्तान के बिस्तर के ऊपर। एक्सक्यूज मी। जरा रुकिए मिस, उस रात आपने ऐसा कुछ लिया था जो आपका नहीं था। चोरी करना बुरी बात है। किसी चोर के यहाँ से चोरी करना चोरी है। कौन हो तुम? वही जिसे उसी शख्स में दिलचस्पी है जिसमें तुम्हें है। सच में? मेरे ख्याल से मिस्टर लूथर के पास एक फोटो है जो मेरी है। वो तुम्हें मिली? अफसोस, मुझे वो नहीं मिली। जो डेटा तुमने कॉपी किया वो मिलिट्री वाला कोड है। तुम जैसी खूबसूरत अदा पर 10 में से 9 लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तुम 10 में हो? मेरे ख्याल से मैं पहला हूँ जिसे इस मासूमियत के मुखौटे के आर पार देख लिया। तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम जैसी लड़कियों को खूब जानता हूँ। मुझे नहीं लगता तुम मुझ जैसी लड़की को जानते हो।
लोग जो लड़कों के बारे में कहते हैं वो सच है। वो अपनी चीजें कभी किसी के साथ नहीं बांटते। मैंने तुम्हारी ड्राइव चुराई नहीं, बस उधार ली थी। वो तुम्हें अपनी गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में मिलेगी। मिस्टर वेन,
प्लीज जज जूरी जनरल इंसाफ व्हाइट पॉचर इसको इंसान नहीं एक जहाज मासूम 7 साल की उम्र से आप चकमा देने में उतने ही माहिर रहे हैं जितना क्रिकेट खेलने में सचिन लेकिन मुझसे झूठ बोलने में आप उतने उस्ताद कभी नहीं रहे व्हाइट पॉर्चुगीज पर कोई भी परमाणु बम नहीं है तो उसमें है क्या उसमें एक हथियार है एक पत्थर है ऐसा पदार्थ जिससे क्रिप्टोनियन सेल्स को कमजोर किया जा सकता है उसका पहला काफी बड़ा नमूना 3 महीने पहले हिंद महासागर में मिला अब वो व्हाइट पॉर्चुगीज पर है और लेक्स लूथर को पहुंचाया जा रहा है जिसे मैं चुराने वाला हूं आप उस चीज को बर्बाद करेंगे यही प्लान है अब जो लड़ने जा रहे उस धरती के पिछले 2 साल पहले हमें जंग नहीं छोड़ा था सोचो कितनी जाने गई थी हजारों लोग मारे गए थे इस बार क्या लाखों मरेंगे उसके पास पूरी इंसानी नस्ल को बर्बाद करने की ताकत है और अगर हम इस संभावना को बस 1% मानते हैं कि वो हमारा दुश्मन है तो हमें इस बात को पूरी तरह मानना चाहिए और बर्बाद करना चाहिए लेकिन वो हम लोगों का दुश्मन नहीं है आज गॉथम लैंड 20 साल से हमने देखा कि बातों की क्या कीमत होती है आज कितने लोग अच्छे बचे और कितने दिन के सच्चे रह पाए मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कैंट कहां चला गया कहां जाता है इंजन मुझे पता नहीं सर पता है हवाई जोड़े पर सवाल के वापस अपने गांव चला गया मुझे फरिश्ता बनने का कोई शौक नहीं है मिस्टर सेक्रेटरी मैं रेगिस्तान में गई और लोग मारे गए मुझे नींद नहीं आती और आगे भी नहीं चाहिए अगर आप सोचते हैं कि सुपरमैन काफी बहुत हो सकता है कुछ पर मुझे नहीं लगता आप ऐसा सोचते Thank you.
बैटमैन खत्म हो चुका है, दफना दो उसे, ऐसा मानो जिंदा छोड़ रहा। एक बात बताओ, तुम्हारा खून बहता है? एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था। कौन सी कंपनी? नेक्स्ट कॉर्प। नेक्स्ट लोथा। रेगिस्तान पर उसके लिए सुरक्षा के ठेकेदार भी मौजूद थे। मीडिया को बताइए। नहीं बता सकता। क्यों? खुफिया जानकारी है। बताएं तो मेरी नौकरी जाएगी। आपने कहा कि वास्तु कुमार को घुसाने के लिए जाल बिछाया गया है, लेकिन वो कैसे जानते थे कि वो वहां? मुझे आपसे बात करनी है। और तुम मर्स कमांडर जा और ध्यान रखना कि मेरी सीट पर यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ अपनी बात कहना है कि मैं ट्रिटानियन ब्रह्मास्त्र पर पैसा लगाना चाहता था, लेकिन केंटकी की किसी मामूली सेनेटर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सुपरमैन पर बनी कमेटी की चेयरपर्सन ने सुरक्षा का ख्याल रखा। वेट, वॉलेस को चेक स्क्रीन में भेजा भेजे गए मास्टर वेट। विक्टिम स्पॉन्सर हमें भी चेक किया जाता है, पर वो उसे लौटा देता है। मुझे पहले क्यों नहीं? I'm sorry sir, मैं पता करता हूँ।
सुपरमैन आ गया है और वाकई अमरीकी सर्जन पर आ गया है। ये एक ऐतिहासिक पल है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सुपरमैन संसद, अमेरिका के लोगों और बेशक पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखेगा। वो यहाँ आ चुका है, संसद के ऊपर है। अंदर जाकर तो आप धमाका करने वाली है जिद्दी झूठ। तुम जैसा से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जानते हैं? ताकत मास होगी। गुड लक। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कमेटी बिना इजाजत दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही कोई झूठ, क्योंकि आज सच को सामने लाने का दिन है। क्योंकि सिर्फ बोलने से ही सिर्फ मिलकर काम करने से ही हम एक आजाद और मजबूत मुझे बहुत मजा नहीं है।
मैं वहीं पर था तो मुझे बॉम्ब नजर नहीं आया। इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है। मुझे नजर नहीं आया क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। मैं जिंदगी भर अपने डैड के बताए रास्ते पर ही चलता और चीज को ठीक करने की कोशिश की। सोचता था मैं भलाई कर सुपरमैन जैसा कभी कुछ था ही नहीं। वो तो बस एक सपना था जैसे एक किसान ने देखा। उस किसान का सपना ही कुछ लोगों का सहारा है। उसी से उनकी उम्मीद कायम है। इसकी कुछ मायने सिर्फ मेरे होने संभालना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। ठीक है तो शुरू करते हैं। क्रिप्टॉन के पुराने रिकॉर्ड्स में हजारों लाखों दुनिया की जानकारियां हैं। गुड, बताओ मुझे। जेनेटिक नमूने की जांच के लिए तैयार। जेनेटिक पदार्थ की मौजूदगी पाई गई है।
जांच हो रही है। ये शख्स कैंटोर के जनरल सॉर्ट का है। बाहरी जेनेटिक पदार्थ की मौजूदगी पाई गई है, जांच हो रही है। सलाह पर ध्यान दें, ये कार्यवाही अर्जित है। क्रिप्टोन की महासभा का आदेश है कि कोई भी ऐसी चीज को फिर कभी जीवित नहीं करेगा जो दिखने और याद करने में इतना घृणित हो। ये बहुत अपवित्र कार्य है। और ये क्रिप्टोन की महासभा कहाँ है? नष्ट हो गई सर। तो आगे बढ़ो। काया पलट की तैयारी अब शुरू हो रही है। इसलिए हम ये सोचने पर मजबूर है कि अगर सुपरमैन खतरे से वाकिफ था और उसने कुछ नहीं किया तो क्या इस हादसे में उसका भी हाथ था? क्या डायनी अब तक उसके गायब होने से कई सवाल खड़े होते हैं? नहीं, वो ऐसे वक्त पर कैसे गायब हो गया? देखने लायक हम कैंसस के लोग मैदान में इसमें पहाड़ पड़ा है, यहाँ से सब ढला है नार वाली जमीन पहाड़ के चलने के लिए। एक साल बहुत जबरदस्त बारिश हुई, मैं 12 साल का था। पूरी रात पिताजी और मैं खेतों में पानी भरने से रोकते रहे और आखिर हमने रोक ही दिया। खेतों को बचा लिया, माँ ने केक बनाया और कहा कि मैं हीरो हूं। बाद में हमें पता चला कि हमने पानी को रोक कर उसकी धारा मोड़ दी जिससे पड़ोसी के खेत डूब गए। यहां मैं केक खा रहा था, वहां घोड़े डूब रहे थे। ये बुरे सपने मुझे सोने नहीं देते। और वो बुरे सपने आना कब बंद हुए? तुम्हें याद करता हूँ बेटे, मैं भी आपको याद करता हूँ। आप ये जंग नहीं जीत सकते, ये खुदकुशी है। मेरे बेकार में भी समय तक नहीं पहुंच पाए थे। मेरे लिए शायद यही चीज मायने रखती है। 20 साल से अपराधों से लड़ते हैं, कोई मायने नहीं। अपराधी जंगली घास की तरह एक को खारो दूसरा उसकी चटेंगे। दुनिया के भविष्य के लिए मेरे पिता ने मुझे यही दिखाकर बताया था कि हमारे खानदान में अपनी जागरूक कह चुके रेल मार्ग, रियल एस्टेट और फिर हमारी पहली पीढ़ी ने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर दौड़ किया, जानवरों को खा रहे और शिकार है। सवाल अभी यही है।
कि वो कहाँ है। अगर सुपरमैन उसमें शामिल नहीं था और अगर वो कुछ छिपाने नहीं चाहता था तो वो उस हादसे के बाद से अभी तक गायब। हमारी छत पे लो की जरा नवाज लो इस लें बड़ा नजारा देखो। बिल्डिंग की ऊंचाई इसे बनाने वाली धातु पर होती है। हल्के धातु की वजह से वो हवा में तैर आती है। तुम्हें मेरी कंपनी के धातुओं के बारे में काफी कुछ पता है। हाँ मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। वहां बड़ी आंकड़े छूमंतर हो जाएगी हवा के झोंके की तरह। तुम पागल हो। दुनिया कहती है मुझको पागल। मैं कहता हूँ दुनिया पागल। अब सोचो कौन है पागल। आओ चलो खेलें। दो गोल 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 सब निकले ढूंढने सुपरमैन को फिर भी वो नहीं मिला। पता नहीं कहाँ। अब गोल छोड़कर त्रिकोण आजमाते हैं। त्रिकोण के दो छोरों को मिलाने का छोटा रास्ता एकदम सीधा होता है। और मुझे लगता है कि सुपरमैन तक जाने वाले खूबसूरत मानो तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ रहा वरना तुम्हें अभी मसल के रखते। और तुम्हें हर चीज से महान समझने की सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ा समझने की क्योंकि उसे ही ईश्वर कहते हैं जैसे हॉरस अपोलो जहोवा कार्ल क्लार्क जोसेफ कैंट। असल में हम सब अपनी कौम के मुताबिक ईश्वर चुन लेते हैं। क्यों क्लार्क? क्योंकि ईश्वर कौमी है वही भेदभाव करता है।
ऊपर आसमान से कोई ईश्वर नहीं आया जब मैं बच्चा था ताकि मुझे पिता की मार से बचा सके। मैं बहुत पहले समझ गया कि अगर ईश्वर शक्तिशाली है तो वो सबसे अच्छा नहीं हो सकता, और अगर वो सबसे अच्छा है तो सबसे शक्तिशाली नहीं हो सकता, और इसलिए तुम भी नहीं हो सकते। लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम धोखेबाज हो। वो अपनी आंखों से तुम्हारे खून से रंग दिखा। क्या किया है तुमने? और आजादी को देखेंगे। हाँ, तो तुम्हें किसी से मिलना दूसरे शहर में उसकी नफरत से भेजा। सिर्फ 2 साल लगे उसकी नफरत की आंखों पटाने को चलने लगे जैसे कि तुमने अपने परिवार को मरने दिया। और अब तुम उर्फ फिरोज के पास जाओगे और उससे मिलोगे। मरने तक चाहे जियो अब लड़ते रहना। उस खास औरत के लिए वो तो सही सलामत है, तुम्हारा क्या होगा? कुछ भी नहीं, लेकिन मैं लॉइस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ना। हर लड़के की जिंदगी में सबसे खास उसकी माँ होती है। उड़ने वाले शैतान की माता हूँ चुड़ैल लोग, और चुड़ैलों को क्या सजा दी जाती है? याद आया, जिंदा जला देते हैं। मुझे नहीं पता, पता नहीं उसे कहाँ ले गए। अगर तुमने मुझे मारा तो मार्था मर जाएगी, अगर उसे बचाने गए तो भी मार्था मर जाएगी, लेकिन अगर तुमने बैटमैन को मारा तो मार्था जिंदा रहेगी। Thank you.
हर तरह की सर्जरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इसका नतीजा सिर्फ मौत है। डॉक्टर एलिस्टोन सभी डॉक्टरों को प्रोटोकॉल में बताते हैं हमें की सरकार ऑब्जेक्टिव 1982 आज स्ट्रॉन्ग अप कंसिस्टेंट हो गया है। नेक्स्ट चाहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमारे पास वक्त नहीं है।
मुझे एक अलग सबक सिखाया। बिना किसी वजह के कटर में बेमौत मर गया। तुम्हारी जान चाहिए, वक्त बहुत ही कम है। लगता है क्रिप्टन का स्पेसशिप पूरे शहर से बिजली खींच रहा है, इसमें जरूर लेक्स का हाथ है। जहाज पर तुम्हारी जरूरत है, मैं उन्हें ढूंढता हूँ। मेरी माँ को मेरी जरूरत है। सुनो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। बातें सुनने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने उस रूसी के फोन को ट्रैक किया। वो बंदरगाह के पास ही किसी गोदाम में है।
सामान तुम संभाल रहे फिर? हाँ बिल्कुल, ड्रोन मोड शुरू कर रहा हूँ। मॉनिटर पर मुझे तीसरी मंजिल पर दो दर्जन दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको दूसरी मंजिल पर बुलाता हूँ। जीवित होने में 30 सेकंड। सही कहा ना? मेहनत भी खत्म, मेरा सफर भी खत्म, और बैटमैन का सिर भी नहीं लाए। जीवित होने में 30 सेकंड। डॉक्टर का फोन, मैं देखता हूँ। माँ का हाथ पूछना, आज ठीक हो? हेलो, जिंदाई मर गई? मरना तो तुझे है, समझा? जीवित होने में 10 सेकंड। तुम हार गए। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। मैंने बैटमैन को यह करने का शानदार मौका दिया था, लेकिन उसने उसका दम लिया। अगर ईश्वर इंसान को नहीं मारेगा तो ये काम शैतान करेगा। आतंकवादी हमले की संभावना की भी जांच कर रही है।
का एक क्लोन जीव जिसके रगों में है मेरा। तुम्हें बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ। तुम्हारा महाकाल मालिक नहीं रहेगा। विमान यानी अपाची हेलीकॉप्टर्स अभी अभी पहुंचे हैं। तस्वीरों से पता चल रहा है हमारा संपर्क टूट गया है, इसकी वजह अभी पता नहीं। अब क्या हो रहा है सर? आप तबाही को कैसे बयां करूं? मेट्रोपोलिस एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है। यात्री कृपया अपनी सीटों पर बैठें। मिस प्रिंस। लगता है उस चीज को अंतरिक्ष में ले जा रहा है। हम परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं सर। अभी नहीं, बेवकूफी मत करो। हम बिना किसी की जान गवाए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं सर। एक जान तो जाएगी और वो है सर सुपरमैन की। ईश्वर हम सब पर रहम करे। हथियार तैयार है। हथियार तैयार है। हमले के लिए हथियार तैयार है सर। कर दो। 3 2 1
पर। वहाँ कोई नहीं रहता। दूसरी मिसाइल। पृथ्वी में दाखिल नहीं। वो किससे टकराई? सुपरमैन से राष्ट्रपति जी। दूसरी मिसाइल टकराई सुपरमैन से। सर वो हिल रहे हैं। सुन रहे हैं मुझे? अल्फ्रेड, वो क्रिप्टॉन से है। क्रिप्टॉन के हथियार ही उसे खत्म कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर कोई हथियार बचा होता तो। मेरे पास एक हथियार बचा है। भाला, अल्फ्रेड वो भाला, क्रिप्टॉन का है। लेकिन वो गॉथम में है। अगर मैंने उसे उस चीज की खाल में घुसा दिया तो वो उसकी जान ले लेगा। ऐसा मुमकिन है? मुझे उसे अपना पीछा करवाते हुए शहर तक ले जाना होगा, क्रिप्टोनाइट के पास। दूसरी दुनिया का है, मेरी दुनिया का। दूसरी दुनिया के जीवों को मैं पहले भी मार चुकी हूँ। ये तुम्हारे साथ है? मुझे लगा तुम्हारे साथ है।
नहीं क्लॉक, ऐसे मत कहो। ये मेरी भी दुनिया है। नहीं क्लॉक, मत जाओ। और तुम भी मेरी दुनिया हो। Thank you.
इतना बड़ा हुजूम बस एक खाली बक्से को रखता है। वो उसे कैसे सम्मान देंगे? सिवाय एक सलाह के बाद। मैं उसे बचा लूँगा, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मुझे तुम जैसे और लोगों से मिलना है। और अगर वो मिलना ना चाहे तो? वो मिलेंगे और लड़ेंगे भी। हमें एक दूसरे का साथ देना। सौ साल पहले मैं इंसानों की दुनिया से दूर चली गई क्योंकि उसमें सिर्फ दहशत का राज था। इंसान भूल चुके थे कि एक दूसरे का साथ कैसे निभाते हैं। इंसान आज भी अच्छा हम लड़ते हैं, जान से लड़ते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, पर हम बेहतर दुनिया बना सकते हैं, बेहतर इंसान बनाएंगे, हम बनेंगे, हमें बनना ही होगा। तबाही के घर की तो आंखें बच चुकी।
और उन्होंने सुन लिया। वहां दूर अंतरिक्ष में उन्हें पता चला ईश्वर मर चुका। उसने ढूंढ लिया और वो आ रहा है। Thank you.